दादी बरसाने के लिए निकल गई ना। बरसाने के लिए? पर दादी ने तो कहा था ना कि वो कुछ दिन हमारे साथ और रुकेंगी, फिर ऐसे कैसे चली गई? हाँ कहा तो था, लेकिन अब हो सकता है उनको बाबा की कुछ टेंशन हो रही होगी, वो अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे वो सब, है ना। तो आई थिंक इट्स ओके। पर अगर दादी को जाना ही था तो कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर सकती थी ना। उन्होंने ना मुझे बोला और ना ही कॉल किया, ऐसे ही चली गई। एग्जैक्टली, मैंने तो इसलिए तुमको फोन किया। पर कोई बात नहीं, अगर वो मिलके नहीं गई तो हम मिलने चले जाएंगे। बरसाना कौन सा दूर है? दिल्ली से बरसाना तो बस 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ वो भी तो है, पर फिर भी। तुम ऑफिस में नहीं हो? नहीं, मैं बस मनन के स्कूल पहुंचने ही वाली। मैंने आपको बताया था ना कि मनन के स्कूल में आज ओपन हाउस है। हाँ, पूड़ियाँ नहीं पहुंचेगी। हाँ, ओके फाइन, यू टेक योर टाइम। या अच्छा, क्यों मैं ना आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। हाँ, मैं स्कूल बस पहुंचने ही वाली हूँ। आराम से, प्लीज टेक केयर ऑफिसर, ओके? बाय बाय। रानिका, आई लव यू। लव यू टू। बाय। ओ थैंक गॉड। अगर मुझे अपनी लव स्टोरी ट्रैक पर रखनी है ना, तो मुझे इस बुढ़िया को राधिका से दूर रखना होगा। And I'll have to make sure कि राधिका के अतीत की कोई भी चीज राधिका तक ना पहुंचे, उसकी परछाई तक ना पहुंचे। हे बाके बिहारी जी, आज हम उम्मीद लगाकर आपके मंदिर में आए हैं। थोड़ी देर पहले ये लड़का तो ऐसे कर रहा था जैसे हमारी जान ही ले लेगा। अगर सच में इतना पागलपन है इस लड़के में, तो क्यों हमारी राधा को दिखाई नहीं दे रहा? कहीं अनजाने में इस लड़की से शादी करके हमारी राधा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? कोई तो संकेत दीजिए जिससे हम अपनी बच्ची को बचा पाए। कोई तो रास्ता दिखाओ, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो।